और अपने सब्जेक्ट हैं स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा, इसमें हम इकाई 3 पढ़ रहे हैं। इकाई 3 का आज का अपना जो टॉपिक है वो है खेलों के माध्यम से उपचार पद्धतियाँ। कल हमने पढ़ा था इसी के संदर्भ में जो खेल हैं उस खेलों के बारे में कि खेलों से बालक का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे खेलों के माध्यम से जो उपचार पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं उसके बारे में, जो ऊपर खेलों के गुण उसके महत्व को बताएं कि खेलों के क्या महत्व हैं। इसी के बाद जो आजकल खेल हैं उन खेलों के द्वारा जो बालकों की बहुत सी मानसिक उलझने तथा व्यक्तित्व संबंधी बालकों की बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं होती है जिनसे वो तनाव में रहते हैं या जो व्यक्तित्व संबंधी हैं उन संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाता है खेलों के माध्यम से। आजकल साइकोलॉजी के जो बहुत सारे ऐसे विधियाँ पनप रही है जिनके माध्यम से बालकों की मनोवृत्ति को जानकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सामान्य जीवन में अनेक कारणों से बालकों के जो संवेग अभिव्यक्त न हो पाते हैं या अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं हैं जो गुमसुम रहता है या उसके जो इच्छाएं उस इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती हैं, तो उस समय बालक के मन में बहुत सारे ऐसे विचार पनप रहते हैं। ऐसे समय उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में बहुत सी असमानताएं पैदा कर देते हैं। फिर जो संवेग उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उनके व्यवहार में और व्यक्तिगत में परिवर्तन ला देते हैं, भिन्नता आ जाती है जो उनकी विकास को भी प्रभावित करते हैं, जो उनके विकास की वृद्धि है उसको भी छूते हैं। इस कारण को दूर करने के लिए खेलों पर आधारित अनेक विधियाँ विकसित की गई है। उनको दूर करने के लिए खेलों में बहुत सारी जो साइकोलॉजी विधियाँ हैं उन विधियों को प्रयोग में लाया गया है, परंतु इन सभी को सामान्य सिद्धांत कि बालकों को ऐसे वातावरण में रखा जाए खेलों की जो विधियाँ हैं उनको तभी हम सफल बना सकेंगे कि बालक को ऐसे वातावरण के अंदर रखा जाए जिनके उस पर आंतरिक भाव स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त हो सके। जैसे ये मुख्य विधियाँ हैं जैसे खेल चिकित्सा विधि। नंबर 1 पे खेल चिकित्सा विधि। खेल चिकित्सा विधि जब बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों को स्वाभाविक रूप से जो बालक की जो रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं जो कौशल है उस कौशलों को उभरते जो स्वाभाविक रूप से उभरने नहीं दिया जाता, बालक जो चाहता है उसको दबा दिया जाता है कि बालक की जो इच्छा है कि जो कौशल है वो स्वयं की इच्छा से करना चाहता है लेकिन उन पर रोक लगा दी जाती है, तब वे विनाशात्मक मार्ग को रोक लेती है, यानी बालक के मन में उदासीनता आ जाती है उस चीज के प्रति, फिर वो धीरे धीरे उस जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है वो लुप्त हो जाती है और बालक अपराध की ओर भी अग्रसर होते हैं। जब उन पर आप दबाव डालोगे तनाव डालोगे तो बालक उस कारण उनके मन को डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर धीरे धीरे वो कोई आपराधिक कार्य करने लग जाता है। यही किशोरावस्था का भी प्रमुख कारण माना जाता है। तो किशोरावस्था में बालक के साथ जो व्यवहार अपनाए जाते हैं वो उसके अनुकूल होने चाहिए। यदि उसके अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं या उसको आप बार बार किसी के सामने उसका मजाक उड़ा रहे हो या उस किसी के सामने उसको ठेस पहुंचा रहे हो या ऐसी कोई वृत्तियाँ हैं जिससे बालक के मन पर प्रभाव पड़ता है, ऐसी वृत्तियाँ करने से बालक है वो अपराधी बन जाते हैं। इस हेतु क्रीड़ा मनोचिकित्सा है उसकी जो विधियाँ बताई हैं वो अपनाई जाएगी। जैसे क्रीड़ा चिकित्सा पद्धति में बालक को इस प्रकार के खेल खिलाए जाएंगे, जो क्रीड़ा चिकित्सा पद्धति है उसमें बालक को इस प्रकार के खेलों को खिलाया जाता है या उनके द्वारा ऐसे खेल करवाए जाते हैं जिनके द्वारा बालक अपनी रचनात्मक शक्ति को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिल सके, जिनके द्वारा बालक की जो इच्छाएं हैं जो करना चाहता है जो उसकी रचनाएं करना चाहता है जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्तियों को अवसर मिल सके। इस तरह के खेलों का उद्देश्य बालकों को सुखाना नहीं अपितु उनकी मानसिक रचनात्मक शक्तियों की अभिव्यक्ति का मानसिक जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है उनका विकास करना, अभिव्यक्तियों का
से बालक को खेल खेल के साथ उनकी मानसिक जो रचनाएं हैं जो पसंद हैं उन विधियों का शक्तियों का विकास करना, इससे बालक को विशेष सुख और संतोष की अनुभूति होती है और वह मानसिक कुंठा से भी बच जाते हैं। इससे बालक है वो जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन से भी उसको बचाव मिलता है, मानसिक कुंठा से भी बचाया जा सकता है, बालक को डिप्रेशन में जाने से भी बचाया जा सकता है। इसके खेल खेल के माध्यम से उनकी जो भी व्यक्ति हैं उसको यहाँ अवसर मिलेगा। ये खेल पद्धति सामूहिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। ये खेल होंगे जो व्यक्तिगत भी होंगे और सामूहिक भी हो सकते हैं। दूसरा है अंगुली चित्रण विधि। दूसरा है अंगुली चित्रण विधि। अंगुली चित्रण विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसी को भी एक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। यह एक क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि जो अंगुली चित्रण विधि है इस विधि को हम मनोवैज्ञानिक विधि के रूप नाम से भी जाने जाते हैं। इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है जो बालक को विशेष प्रकार का संतोष है वो प्रदान करता है। अंगुली चित्रण विधि से बालकों को एक जो कोरा कागज है उस कोरा कागज पर सभी प्रकार के रंग जैसे काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी आदि दिए जाते हैं। जो अंगुली चित्रण विधि है उस विधि में बालक को एक कोरा पेज दिया जाता है और उसके साथ उसके सभी प्रकार के रंग हैं, कलर हैं, वो कलर भी दिए जाते हैं जिसमें गुलाबी, लाल, पीला, हरा, नीला जो भी हैं वो दिए जाते हैं और बालकों से अंगुली के द्वारा चित्र बनाने को कहा जाता है। उसको कोरा पेज दिया जाएगा और बालकों को अंगुली के द्वारा उस पर चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा और यह बालक इसमें जब चित्र बनाएगा बालकों को कहा जाएगा कि लो ये कोरा कागज है, आपके पास में ये कलर है, आप अपने मनमाने ढंग से इस पर चित्र बनाओ। तो इसमें वो बालक जो कार्य करेगा वो अपनी इच्छा से करेगा, जो उसके मन में जो इच्छाएं आ रही है, जो चित्र बनाना चाहता है, जो अपने मनमाने ढंग से वो चित्र या उस कागज में वो प्रयोग करेगा, मनमाने ढंग से रंगों का प्रयोग भी करेगा और मनमाने ढंग से वो उसमें चित्रकारी भी करेगा। जो उसकी मानसिक स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं, जो उसकी क्या करेंगे, मानसिक अभिव्यक्ति को भी करेंगे, उसके मन के अंदर अवगत करेंगे, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वही उसमें बोलेगा, मनमाने ढंग से करेगा तो उसके मन के अंदर क्या बातें चल रही हैं, किस प्रकार का अंदर तो उसकी मानसिक जो अवस्था है उस मानसिक स्थिति को यहाँ वो अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही मनमाने व्यवहार के कारण संवेगात्मक जो विचार हैं उस संवेगात्मक तनावों से भी उनको मुक्ति मिलती है और आनंद का अनुभव करते हैं। साथ ही तनाव दूर होने से वह स्वस्थ रूप में आ जाते हैं। वास्तव में ये खेल बाल्यावस्था के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। ये जो खेल है ये बाल्यावस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, बाल्यावस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है मनोअभिनय विधि। थर्ड है मनोअभिनय विधि। इस पद्धति का प्रयोग व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार से किया जाएगा। ये जो विधि है ये विधि व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों रूप में प्रयोग की जाए।
का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है और सामूहिक रूप से भी किया जाता है। इसका उद्देश्य बालकों की अभिनय सिखाना नहीं बल्कि अभिनय के द्वारा उसके संवेगों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। इसमें बालकों को अभिनय के द्वारा उनके संवेगों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसी विधि में बालकों को अभिनय के द्वारा उनके जो संवेग है उन संवेगों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। इस पद्धति में बालक को एक काल्पनिक भूमिका में भाग लेने का मौका दिया जाता है। एक कल्पना है, जैसे मान लो आप राजा बने हो या आप कोई किसी का रोल कर रहे हो, तो जो काल्पनिक अभिनय है उसका रोल दिया जाता है और अपनी भूमिका बालक अपनी इच्छा अनुसार सुनता है। यानी उसके मन में जो बनना चाहता है, वो हीरो बनना चाहता है या कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, जिसका भी वो अपने मन में धार रखा है या जो अपने मन में जिसकी इच्छा है इच्छानुसार वो उसमें अभिनय करेगा। यानी बालक जिसकी भूमिका निभाना चाहता है भूमिका के अनुसार अपना वो व्यक्तित्व चुनता है कि मुझे इस व्यक्ति से संबंधित मैं अभिनय करूँगा, तथा अपनी इच्छा से ही क्रोध हर्ष घृणा आदि के भाव व्यक्त करता है। फिर उसको अपनी इच्छा से ही वो अभिनय चुनता है, तो अपनी इच्छा से ही उसमें वो क्रोध हर्ष घृणा आदि के भाव को भी व्यक्त करेगा। बालक अभिनय में इतना तन्मय हो जाता है कि उसे अपने किसी भी संवेग को अभिव्यक्त करने में कोई संकोच नहीं होता। फिर वो अभिनय में उसी व्यक्ति की तरह अपना दोहराता है कि जो संवेग होंगे वो उसके सामने प्रदर्शित होंगे। इससे स्पष्ट है कि हर तरह की उसकी दमित इच्छाएं जो अवचेतन मन में चल रही हैं वो यहाँ प्रदर्शित हो जाती है और उसका मन शांत हो जाता है, उसको आनंद मिलता है। अंत में हम कह सकते हैं जो खेल चिकित्सा विधि है, अंगुली चित्रण विधि है या मनोभिनय विधि है, ये तीनों विधियां हैं, ये खेल के माध्यम से चिकित्सा का प्रमुख लक्ष्य बालक के अंदर, इनका लक्ष्य ये होगा कि बालक के अंदर जो दबी संवेग है उस संवेगों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना, या दबे जो संवेग है उसको अंदर से बाहर लाने का ये कार्य करते हैं, जो उसके व्यक्तिगत को बिगाड़ते हैं। दबी इच्छाओं को संतुष्ट होने के बाद उनका व्यक्तित्व भी संतुलित हो जाता है। जब वो प्रदर्शित करने लगते हैं धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में भी सुधार आता है एवं उसका मन शांत रहता है, आनंदित रहता है, इस प्रकार की खेल विधियों को अपना कर। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में